नमस्ते दोस्तों, मैं कन्हैया आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी। आज हम नोखा के वार्ड नंबर 6 और 7 ऐसी समस्या लाए हैं, जैसे नोखा में बहुत जगह समस्या ऐसी और भी वार्डों में मिली है, इस वार्ड में देखने को आज मैं आया हूँ। तो इससे जो 33 मिली उससे भयंकर समस्या यहाँ पर भी है। यहाँ की पब्लिक ने देखते हैं क्या कहते हैं इसके, और आप देख सकते हो यहाँ से जो गटर का पानी इतना गंदा है और इतनी बदबू आ रही है, ये कैसे रहते हैं, इनका क्या रिएक्ट आ रहा है इनका, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारी कुछ माताएं बहनें, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है इसके पानी के बारे में। ये क्या रोजाना रहता है? रोजाना ही रहे। अच्छा, क्या रोजाना रहता है पानी? रोजाना ही रहे, 24 घंटा ही रहे रोजाना के, 24 घंटा पानी घणो ही रहे, समस्या घनी है। तो ये पानी में कहीं कहीं समस्या हुआ आपने? इनमें मच्छर खे, ताव चढ़े, मलेरिया बन जाए, बीमार पड़ जा। अच्छा, और ही पानी में अगर वो पानी तो ही रहे और ज्यादा हुए? ज्यादा हुए, टब्बर बीमार पड़ जाए, स्कूल में ला तो इतने पानी वाके टब्बर किया जावे, स्कूल पड़ जाए, जन्ना लाग जाए, मैं ही पड़ा लाग गए, लेवणो पड़े, दुकान ही जानो पड़े, सोई के दूध ही लानो पड़े, मैं तो पड़ा आड़े मार तो गोडा में टाक्या पड़ गई, पड़ रहे के कहां गया मारा, तो अबे करा काई पानी हो अबे। ओ, बारिश में पानी कितो आवे आपने? इतो इतो आवे, घर भरी, चार चार फुट पानी आ जाए। हां, चार चार फुट आवे, घर भरी जे, लोग जो घर भरी जो। किस जगह आपनो घर? ओ घर है, पूरा घर में गंदो पानी आवे, इती चौकी है, बारिश आवे, गटरो पानी आवे, गटर और बारिश रो दोनों ही आवे। आप क्या बोलना चाहोगे इस गंदे पानी के बारे में जो आपके मोहल्ले में? नगर पालिका ने 10 बार कह दियो, कोई 50 बार भेड़ा हो, पर नगर पालिका ने ज्ञापन दे दियो, हो कहीं कर दियो, पर नगर पालिका आज तक इसकी सुनवाई करे को नहीं। और ये पानी इतना परेशान आ के टाबर जगह स्कूल जावे, तो पास में स्कूल है, सुबह सुबह जावे तो पानी रे माखर जावे, कई बार टाबर लाग जी भी हॉस्पिटल भी लेर जाना पड़े, कई बार एडी समस्या बजी, और बरसात टाइम में टाबर छुट्टी भी रखनी पड़े। आपका नाम? चंद्र प्रकाश। आपका घर कहाँ पर है? इस गली में है, पास में। क्या आपके घर का गंदा पानी है, गटर का पानी है? ये बहुत पड़ा है ना, आपके सामने पड़ा है, देखो ये पानी। तो इसके लिए आप क्या कंप्लेंट करना चाहते हो? कंप्लेंट किया कभी? 20 बार कर दी, एक बार नहीं 20 बार कर दी। तो क्या बोलते हैं आपको कंप्लेन करने के बाद? चुनाव आते हैं, बोलते हैं अगली चुनाव में सही हो जाएगा, अगली चुनाव में सही हो जाएगा। यानी ये आप इस गंदे पानी का 20 साल तो हो गए मेरे देखते हुए, अभी तक तो नहीं हुआ है। यानी आपका कहने का मतलब इस गंदे पानी को वोट बैंकिंग माना जा रहा है? और क्या है तो इसमें बताओ। तो इसका हल करने के लिए हम क्या करना होगा, आम पब्लिक को, आपके मोहल्ले वालों को क्या करना पड़ सकता है? मिलकर या तो ये चैम्बर को बंद करना पड़ेगा पीछे से, और या नगर पालिका में धरना देना पड़ेगा, और तो क्या करेगा। अच्छा, यानी आप धरना देने से इसका हल होने का चांस है आपका? चांस है, और क्या है बताओ इसमें, और कोई उपाय नहीं। क्या SDM कभी आपके पास आए, कलेक्टर आपके पास आए? इस बार आके चले गए जाते हैं और आश्वासन दे के चले जाते हैं, अब की बार हो जाएगा। पिछली बार 4 महीने लिए थे, उस 12 महीने हो गए, उस अभी तक ये चल रहा है, ऐसा ही पानी चल रहा है। जो आपको नगर पालिका प्रशासन को कहते हैं झांसा दे के छोड़ देती है, इस बार आपने क्या ठान के रखी इस पानी को हटाने के लिए? क्या मुद्दा आपने, ऐसा क्या टॉपिक सोच के रखी इस पानी को इस बार हटा के छोड़ेंगे? या तो ये गटर बंद कर देंगे पीछे से कट्टे डाल के, या नहीं तो नगर पालिका इसको सही कर देगा। बार बार कहते हैं ये कि कर देंगे, करते नहीं है, आके देख से चले जाते हैं, बारिश आती है जब, आप कहो जरूर है एक बार, बाकी करते कुछ नहीं है। आप ये ओनली फॉर बोल रहे हो या रियल में कर दोगे? रियल में कर देंगे, तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये घरों के अंदर ही गटर का पानी जाता है, गंदगी घर भर जाती है हमारी, ये आप कितने परेशान है, डेली का काम है, एक दिन का नहीं है, बरसात नहीं है, पूरे बाजार का पानी आता है, एक दिन आता है, बरसात का पानी तो बरसात महीने में एक आधी बार होती है, ये डेली की समस्या है, डेली हमको इस नरक से निकलना पड़ता है। सोल्यूशन नहीं है ना, ये तो है ना सोल्यूशन, आगे निकलो, निकले हुए आता है तो उसकी किसी के पास कोई है नहीं, पर इसका तो प्रबंध कर सकती है ना नगर पालिका है वगैरह कोई प्रशासन है। आप क्या कहना चाहोगे इस गंदे पानी के बारे में? 20 साल समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है, तो आपने इस बार क्या करोगे? इस बार नगर पालिका कोई चेंज होगी तो ही कोई सोल्यूशन होता था, नहीं, 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 नहीं। इस बार नगर पालिका चेंज करने से इसका हल हो जाएगा, यही होगा, या आगे से गटर बंद करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहोगे? सर, हम तो यही कहते हैं, नगर पालिका को कई बार ज्ञापन दे दिया है, एप्लीकेशन दे दिया है, अभी तक इसकी कोई समाधान हुआ नहीं है, और हर डेली का काम है, पूरे बाजार का गटर का पानी इस गली में रहता है, और हम बहुत परेशान हैं, और हम नगर पालिका को ये कहते हैं कि सही करवाओ। आते हैं, चेयरमैन साहब एक बार आए थे, आज से 12 महीने पहले बोला था, 1-2 महीना का सिर्फ मेरे को टाइम दो और ये इसका समाधान हो जाएगा। डेली कर्मचारी भेजते हैं हरिजनों को, 5-6 जने आते हैं, पूरे दिन इधर खड़े रहते हैं, और समस्या कोई हल होती नहीं है। पीछे से यहाँ से लेकर के पीछे एंड तक चैम्बर पूरे जाम हुए हैं, और इसकी समस्या एक दिन भी मिटी नहीं है,
और इसके लिए आखिर में हमारे को ये चाहते हैं हम कि पीछे कट्टे डाल के बंद करें, लेकिन कट्टे क्या डाले क्या करें, कोई कट्टा डालने वाला नहीं है। पब्लिक हम बहुत परेशान है, लेकिन करें क्या, इसका इलाज कोई नहीं है हमारे पास। आप क्या बोलना चाहते हो, इस पानी को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे पब्लिक हट जाए, मेन ये पानी को हटाना चाहते हैं, इस गंदगी को मिटाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा? हटाना चाहते हैं इसको। हमने तो 20 बार कम से कम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, नगर पालिका को ज्ञापन दिया है, वो सिर्फ ओनली सिर्फ यही कहते हैं कि आपका हो जाएगा काम, हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है, 20 साल से ये समस्या है। और हम मोहल्ले वाले ये चाहते हैं कि अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने मोहल्ले वाले हैं सारे इकट्ठे होके अपने स्तर पर करेंगे। और तो क्या है, सुनाई हमारी हो नहीं रही है, कहीं नहीं सुनाई हो रही है, ये समझ है। ये पानी से सभी परेशान है, आप भी शायद परेशान होंगे। परेशान तो है सर। ओके, ये पानी जो आ रहा है बिना बारिश के जो पानी आ रहा है, इससे क्या क्या आपको परेशानी होती है? इस पानी को हटाने के लिए, इस गंदगी को हटाने के लिए क्या करना पड़ सकता है? इसको हम मान लो ये गटर है जो बंद कर देंगे, ठीक है, जो हमने 20 बार मान लो नगर पालिका जाकर के एस टीम को भी ज्ञापन दिया है और चेयरमैन को भी दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। आता है आकर के देख करके चला जाता है, आश्वासन देता है कि अगली बार हो जाएगा, 5 दिनों में करेंगे, 10 दिनों में करेंगे, 4 महीने में करेंगे, 6 महीनों में करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा है और बीमारी भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, घर घर बच्चा मान लो बीमार पड़ा है, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज तक। लेकिन हमारा यही कहना है कि हम आने वाले 2-4 दिनों में ये गटर सारे बंद कर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इतनी बीमारी तो सही रहे। और ये कुछ पब्लिक और कहना चाहती है, मैं जब जा रहा था पब्लिक एरिया, कुछ और बोलना चाहते हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं, अब क्या कहना होगा? ये टाइम है कि या तो कोई जोधपुर से हाईकोर्ट से लेके आवे हम स्टे, या पीछे गटर में कट्टा डाल के, पाउडर का कट्टा डाल के पीछे से गटर बंद करे, यही इलाज है आखिर, और कोई इलाज नहीं। सर आप क्या बोलना चाहते हो इस नगर पालिका के बारे में? परेशान है इस गंदे पानी से हम, तो यही बात है हमारे तो कहने की, जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान। तो इसका निवारण कैसे हो सकता है? निवारण तो प्रशासन करेगा, एसडीएम करेगा और नगर पालिका करेगा जब होगा, और हमारे पास तो होता तो हम कर लेते, हम करेंगे जब तो इसको बंद करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? 10-15 साल से हमारे यहाँ समस्या है, चेयरमैन और एमएलए साहब को 20-25 बार बोल दिया है, आते हैं 2 महीने 4 महीने का आश्वासन देके चले जाते हैं। हम अब 15-20 दिन में देखेंगे आगे गटर चौक करेंगे, जब बणियों के निकलेगा ना कद्दा तभी ये ना शांत होगा, दूसरे दिन हो जाएगा। और यहाँ मजदूर वर्ग है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ कोई नहीं सुनवाई होने नहीं। अगर बाजार में ये गंदा पानी निकलेगा ना तो ही समस्या होगी, क्योंकि बढ़िया लोग परेशान होंगे, व्यापारी परेशान होंगे, तो ही मतलब यहाँ का कह रहे मजदूर वर्ग है इसलिए नहीं सुनवाई हो रही है, यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, इनका कहने का ये मतलब है। कोई नहीं सुनाई, क्या कह रहे हो? बाकी गरीब मोहल्लो है, कोई कहन सुनने वालों को नहीं, आगे सुनने वालों को नहीं, वास्ते सोल्यूशन कोवे नहीं। अगर इस जगह को 5-4 बाणिया घर हुए तो मत ही उजे, 5-4 अगर ये गली में बाणिया घर हुए नहीं तो मत ही सही कर दे, यही मारो। तो ये बनियों का जो कह रहे हैं कि बनियों का घर हो या बाणियों का घर हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? बनियों का तो ऐसा है कि वो अपने खुद के है रिश्तेदार है वगैरह है, उनका परिवार है, और इनके खुद के मकान के आगे ले लो ना, रात को अगर वहाँ झाड़ू लगता है तो हम तो इस गंदे पानी में बैठे हैं, तो उनके आगे मकान के आगे तो नहीं है गंदा पानी, हो एक थोड़ा कचरा भी नहीं है, उसका कारण क्या है? वो उनके तो अपना स्टाफ है नगर पालिका का, जो है नगर पालिका के जो कर्मचारी, वो तो रात को ही लगे हुए हैं पूरे नोखा में उधर उधर काम करते हैं, तो इधर क्यों नहीं? हम वोट नहीं देते हैं क्या? हम वोट नहीं देते हैं क्या? या हम हमारे वोट कोई वैल्यू नहीं रखते हैं क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। अब की बार आओ, ये चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव आ रहे, अब क्या हुआ हमारे वार्ड में, हम बताएंगे हमारे वार्ड में। इस बार आपने जो चुनाव के पर्पज से आपने क्या सोच के रखा है? हमने चुनाव के बारे में सोचा, हमारा ये पहला जो कोई काम करेगा ये पहले करवाएंगे, उसके बाद वोट देंगे। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहते हैं इधर का पानी है जो बंद किया जाए, या मान लो कि ये गटर बंद कर दो, ठीक है। ये सब हमारे वार्ड के अंदर सब राजनीतिक हो रही है, ठीक है, राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। मान लो शहर के अंदर साफ सफाई होती है तो ये मोदी जी ने मान लो अभियान चलाया है कि मान लो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, तो हमारा ये अभियान कहाँ चला गया? नौका से खेल प्रतिभा ज़्यादा निकल रही है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, फिर भी नगर पालिका ने 3 करोड़ का बजट स्टेडियम खेल स्टेडियम दिया है, तो 3 करोड़ आप हमारे यहाँ लगाओ ना, आप हमारी समस्या हल हो जाएगी, हम आपके आभारी रहेंगे। और आप चेयरमैन हैं, आप नगर पालिका के मालिक हैं, वहाँ 3 करोड़ वहाँ स्टेडियम में दे दिए तो वहाँ क्या है? आपका क्या कहना सर? हमारा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द इस कचरे को हटाया जाए यहाँ से, अन्यथा हम नगर पालिका ये जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है विकासमान पार्टी को हम वोट देने वाले नहीं हैं, हमारा यही कहना है।
आप क्या कहना चाहोगे सर? यही कहना चाहते हैं सर, इसी पोजीशन में हम हमारे वास में मोहल्ले में मीटिंग भी करने नहीं देंगे चेयरमैन साहब को। और प्लस पॉइंट ये है कि 15 साल से ये गंदगी इतनी है, कोई भयंकर है, इसकी कोई सीमा है नहीं। और गटर का पानी आता बहुत गंदा, जितना भी गंदा हो इतना पानी गंदा आता है, और चलने को जगह नहीं है, हमारे गेट से बाहर निकलने की हमारे को जगह नहीं। तो इनके क्या विचार इस गंदगी के बारे में और इनका क्या विचार है जो लोग बोल रहे हैं वोट बैंकिंग के बारे में? आपका यही बोलते हैं कि जितनी हमारी वोट की वैल्यू है उतनी सबकी है, एक वोट बराबर ही है, तो सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए उनको। तो आप इस गंदे पानी के लिए क्या कहोगे, इस आपको क्या करना होगा इसके लिए? आपको जो सब बोल रहे हैं वही होगा फिर, या तो यहाँ ना कोई मीटिंग होगी ना हम वोट देंगे। यानी आपने सबने एकता करके होगी तो ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं। इनका कहने का मतलब जब तक इस गंदे पानी का नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी वोटिंग के संबंधित कोई मीटिंग नहीं होगी, ना कोई चुनाव संबंधित मीटिंग होगी। अगर ये वोट अगर पानी गंदा पानी नहीं गया और यहाँ से कोई वोट देने वाला भी नहीं है, ये पक्का आपने सोच के रखा सबने? छः नंबर सात नंबर के मोहल्ले का कोई वोट वगैरह नहीं देने वाले हैं, इस पानी का समस्या समाधान जितने तक नहीं हुई इतने तक। और हम यही चाहते हैं कोई लोग देना चाहेंगे उसी को भी हम नहीं देंगे। चेयरमैन चेयरमैन साहब के पास पावर है वो करवाएंगे, अगर वो नहीं करवाते हैं तो हम चेयरमैन साहब के हम तो वोट नहीं देंगे ना, यहाँ मीटिंग होने देंगे, किसी हालत नहीं होने देंगे। आप चाहे अपने आदमी है, चाहे आपको चेयरमैन सरकार है, चाहे आपके चेयरमैन साहब ने जो भी है सारे लेके आ जाना। चेयरमैन साहब ने पिछले बार जब वोट मांगने आए थे आपसे कोई वादा किया था? ये वादा तो हर चुनाव में करते हैं सर, हर बार चुनाव में करते हैं, आज का नहीं, बस करवा देंगे, बस करवा देंगे। पिछली बार आज से 10 साल पहले हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, एमएलए साहब के चुनाव की तैयारी हो रही थी, उसके बाद कनेला जी एमएलए बने, तो मैंने यहाँ अपने मेरे मोहल्ले में यहाँ चौक में मीटिंग थी, तो 5-7 आदमी बैठे हो, तो मैंने ये मुद्दा उठाया तो ये करवा देंगे, आप चिंता मत करो वो करवा देंगे। आज से 10 साल पहले की बात है, 10 साल तो बहुत होते हैं भाई साहब, 10 साल से कुछ भी हो सकता है। वो एमएलए रह गए और वापस चले गए, ये फिर वापस वोट आ गए,